हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द टेक बॉय। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक तो सोल्डरिंग आयरन बनाने वाले हैं सिर्फ एक नॉर्मल से बैटरी का यूज करके। ये मेरा पुराना एक तो बैटरी था, तो इसका मैं जो ऊपर किसका कवरिंग होता है मेटल का, उसको मैंने हटा दिया है। और इसका ही जो इसका अंदर में इसका ग्रेफाइट का रॉड होता है, तो उससे हम लोग एक तो बहुत ही अच्छा और वर्किंग करने वाला सोल्डरिंग आयरन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम लोग को पहले इस बैटरी पे से खोल लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर दिखा दिया है ऐसे, और आप देखिए कि मैंने जब पहले से ही थोड़ा सा पील करके रखा था, जिससे टाइम बच जाए थोड़ा सा। और यहाँ पर वैसे से खोल लेता हूँ। तो अब हमें ये वाला जो आप लोग देख सकते हैं काला रंग का, इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए तो प्लायर्स, और इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। देखिए, ये पहले इसको ऊपर का नीचे निकल गया, उसके बाद इससे हम लोग सिर्फ ऐसे खींचेंगे तो ये आपका बाहर निकल के आ जाएगा। इससे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे आपका घुसा हुआ था। तो ये मैं और तो ऐसा ही निकाल के रखा था, तो इसको ही मैं अभी यूज यूज करने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेव कर दिया है विथ कंपेयर टू दिस। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। तो अब मैं इसे यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा, और लगाने के बाद इसे टाइट से लगा दीजिएगा। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा कि इसको चिपकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इसे चिपका देंगे तो आपका ये मीन्स ये अगर टूट जाए तो आपको इसे फिर से लगाने में असुविधा हो जाएगा, इसलिए कि ये टूट भी सकता है। तो हाँ, हमें तब इसे रिप्लेस कर देना पड़ेगा इसके साथ। तो अभी तो मैं इसको ही यूज करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देखिए, मैं इन वायर्स को पील करूँगा कम से कम इतना, ठीक है? तो मैं अभी इसे जल्दी से पील कर ले। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वायर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर छील लिया है। और हाँ, आप लोग को ये ध्यान रख के करना है कि आप लोगों को इसे मीन्स इसका एक साइड को बहुत ही लंबा करके छीलना है आपको। तो अब हम लोग इसके दोनों वायर्स को इसमें लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसे बनाना ज्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं इसे निकाल लेता हूँ, और इसमें अच्छे से लगाना है जिससे वायर्स बाद में स्लिप ना करें। और हाँ, आप लोगों को इसे पूरा एकदम मीन्स लेड के एक साइड में और एक को रखा और एक साइड में और एक को रखा, तो वैसे नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर आपका रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया तो ये आपका ठीक से वर्क करेगा नहीं। तो मैं भी इसे लगा लेता हूँ यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे लगा लिया एक को, और मैं दूसरे वाले को भी लगाऊंगा। आप लोग इन दोनों को जितना ही पास में रख सकते हैं उतना पास में रखने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, इसका भी कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों आपस में शॉर्ट ना कर जाए। तो मैं तो अभी फिलहाल इसको ऐसे यहाँ पर लगा चुका हूँ। और अब बारी आता है इसका केस का, एनक्लोजर का, जिसमें हम लोग इसे असेंबल करने वाले हैं। तो मैं तो इसको लिया हुआ, एक तो मेरा पुराना वाला सोल्डरिंग आयरन था, तो उसका ही मैंने लिया है पार्ट्स। तो आप लोग देख सकते हैं, और मैं अभी इसमें ही इसे असेंबल कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी मेरे पास और कुछ अवेलेबल नहीं था। अभी लॉकडाउन का भी समय चल रहा है, तो अभी नहीं होगा अवेलेबल, होना मुश्किल है थोड़ा सा। तो इसे मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, ऐसे करके घुसाना है दोस्तों ठीक से। और आप लोग इसके जगह एक तो लकड़ी का पीस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उससे में थोड़ा सा जलने का भय रहता है, और कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं होगा। तो मैं भी इसमें जल्दी से इसे भर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसे अभी जल्दी से यहाँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लिया है। और अब मैं आपको इसका टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। तो मुझे मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका टेस्टिंग करके।
तो दोस्तों अभी मैं इसको आपको एक तो पावर सप्लाई से चला कर दिखाऊंगा। और अभी मेरे पास सोल्डर नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं यहाँ से ये जो कैपेसिटर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर सोल्डर है, तो मैं इसे यहाँ से निकाल के दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरे अच्छी तरीके से सोल्डर है, तो मैं अभी इसका इस्तेमाल माल करके इसको ऐसे यहाँ से निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं अभी इसको ये सोल्डरिंग जो आयरन है इसको मैं पावर दे देता हूँ, और अभी देने के बाद आप लोग को थोड़ा सा वेट वेट करने, कम से कम 10 सेकंड के लिए। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से निकाल लूंगा। आप लोग देखिए यहाँ भी है, तो ये वाला है, तो हमें बहुत ही धीरे से इसे निकालना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं वही सेम सोल्डरिंग आयरन का यूज करके ही इसे निकालूंगा यहाँ से। और ये आपका बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो इसका आप लोग जैसे देख सकते हैं कि इसका एक लेग निकल चुका है, और अब मैं दूसरा वाला लेग निकालूंगा। और दोस्तों मैंने इसी ही यही सोल्डरिंग आयरन का यूज करके इसे ये किया है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो जब मैं इसे निकाल रहा था तो मैं इसे ज्यादा अंदर ला नहीं पाया, इसलिए आपको इसे ये ठीक से नहीं दिखा होगा। तो देखिए मैं यही सेम सोल्डरिंग आयरन का यूज करके इसे मैंने चलाया है, और ये कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।